चंद्रयान निकालो अपना, इसके पैर ओपन करो सारे, प्लीज आइए ना सर, गाइड अस सर। देखिए यहाँ पे क्या इसका ये पॉइंट होता है, राइट? अच्छा, ये एक साइड से करा और ये से करके ये सिलेंडर लग गया। इतना इजी है, इतना इजी। और ये यहाँ से अपन इसको ओपन कीजिए। ओके, तो ये विंग्स इसके वो बर्तन रखने का स्टैंड। हाँ, ये अब अपना स्टैंड, ठीक है। ओके सर, इसको थोड़ा प्लेन अपने को रखना पड़ेगा। एक सेकेंड, इसका ये रहता है, ये नहीं है तो अपन माचिस भी लेते हैं। एक सेकेंड, इसमें ये कई दिन होगा ना इसके, तो माचिस से करना। ये वाला पीने वाला नहीं है ना? सब पीने वाला नहीं है ना? ये दो लाया था मैं, अलग अलग मुझे नहीं पता। ये जो है जल गया है, देखिए फ्लेम नहीं लग रहा। देखिए ये यहाँ फ्लेम आ रहा है, देखिए। ओके ओके, ये एकदम इनविजिबल फ्लेम है, वाइट वाइट फ्लेम है इसका। सो ये सिलेंडर, ये एलपीजी का थोड़ी है? नहीं नहीं नहीं, इसमें ब्यूटेन गैस होता है। ब्यूटेन, ब्यूटेन। हाँ, ये रिफिल 100 से 150 रुपए मिल जाता है आपको डेली में। अब देखिए, अब जैसे अपन इसको पानी रखेंगे, तो निकल गया, जल गया। देखिए यहाँ से, देखिए अभी ये इसका, ये देखिए गर्म हो गया। सो मतलब हीट भी काफी अच्छी देता है, मतलब फ्लेम। वीडियो नहीं, ये देखिए अब नीचे से लाइए आप, इधर से फ्लेम दिख रहा है, देखिए नीचे अब दिख रहा है ब्लू कलर का हल्का हल्का। ये एक्चुअल में ब्यूटेन है, पता है सिलेंडर्स में भी यही आती है, बट उसके साथ में वो आइसोब्यूटेन है, हल्का हल्का ये जो फ्लेम है, ताकि उसकी स्मेल आए। इसकी बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही, हल्का हल्का। अच्छा, वो जान करके मिलाया जाता है जिससे। तो सिलेंडर्स में ये एलपीजी जो आता है वो भी यही होता है? यही होता है, सेम ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दो आते हैं, लेकिन उनके साथ में थायोल, या तो थायोल या मरकैप्टोन, मरकैप्टो जो होता है वो मिलाते हैं। अच्छा, उससे वो जो लीकेज का पता चल जाता है? हां, उसका पता चल जाता है। ओके ओके, तो इसमें नहीं पता चलता? हाँ, गैस कहाँ पता चल रहा है? पता चल रहा है। ये हमारा पोर्टेबल चूल्हा, कहीं उठा के कहीं भी पटक सकते हैं हम इसको, ले जाके।